हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिश करी रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए हम एक बोल में सॉल्ट, हल्दी पाउडर, और चिली पाउडर लेंगे। इन्हें मिक्स करके फिश को मैरिनेट करेंगे। फिश की दोनों तरफ स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से रब कर हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। हाफ एन आवर के बाद हम एक पैन लेंगे। पैन में हम ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें फिश को फ्राई कर लेंगे स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक। दोनों साइड से हम फिश को फ्राई करेंगे। जब तक फिश फ्राई हो रही है, हम एक ब्लेंडर में अनियन और ग्रीन चिली को ब्लेंड कर लेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम फिश की साइड चेंज कर उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ फिश फ्राई हो रही है, तब तक हम दूसरे स्पाइसेस रेडी करेंगे। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हम सॉल्ट, कुमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर चिली पाउडर और आमचूर पाउडर लेंगे और दूसरे बोल में कुमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड और मेथी के सीड ऐड करेंगे। फिश को फ्राई करने के बाद हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे। और साथ ही में हम कुमिन सीड, मस्टर्ड सीड और मेथी के सीड ऐड करेंगे। उसके बाद हम गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। उसे 1 से 2 मिनट तक सोते कर लेंगे। अब हम इसमें अनियन और चिली का पेस्ट ऐड करेंगे।
अनियन और चिली के पेस्ट को 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसे भी अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे। और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और साथ ही में ब्लेंड किए हुए टमाटोज ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके और 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। अगर पानी की ज़रूरत है तो हम उसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम फ्राई की हुई फिश को ऐड करेंगे। केयरफुली हम इसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे फिश के पीस टूट ना जाए, इसलिए स्लोली स्लोली हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। फिश करी रेडी है सर्व करने के लिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।